सदर अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था एवं सुरक्षा को लेकर मातृ शिशु अस्पताल स्थित अल्ट्रासाउंड कक्ष में कार्यरत डॉक्टर रीता महतो, डॉक्टर निवेदिता भारती एवं उनकी टीम ने संयुक्त रूप से सिविल सर्जन को एक आवेदन दिया। आवेदन में बताया कि आए दिन यहां मरीजों एवं परिजनों द्वारा गाली गलौज, मारपीट एवं अनुचित व्यवहार किया जाता है, जिसकी सूचना उन सभी के द्वारा अस्पताल प्रबंधक को दी गई। उनके द्वारा इस मामले को अनसुना कर टाल दिया गया। वहीं जब इस मामले को लेकर उपाध्यक्ष से संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु 12:30 बजे तक उनसे संपर्क नहीं हो सका। उन्होंने अपने आवेदन के माध्यम से समस्याओं से अवगत कराते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। अपने आवेदन की प्रतिलिपि जिलाधिकारी एवं जिला मंत्री, बिहार चिकित्सक एवं जन स्वर्गीय कर्मचारी संघ को भेजा गया है। दूसरी ओर प्रभारी अस्पताल प्रबंधक शंभु शरण सिंह ने बताया कि अस्पताल में महिला चिकित्सक के देर से पहुंचने के कारण विवाद होता रहता है, परंतु कुछ सुधार नहीं हो पाया है। महिला चिकित्सकों ने इसमें सुधार करने की बात भी कही, हालांकि मामले को समझा बुझा कर सुलझा लिया गया है। मेरा ड्यूटी अल्ट्रासाउंड में है। अल्ट्रासाउंड में हमने आज एक पेशेंट को बोला कि जब तक कोविड का टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, लेकिन वो बदतमीजी पे उतर गई, पूरा बोलने लगी नहीं कैसे करिएगा, करना पड़ेगा, पूरा मारपीट करने लगी। हम लोग मेरे पे हाथ उठाई, मेरे साथ एक और स्टाफ थी उस पर भी हाथ उठाई, वो तो हम लोग अगर मतलब दरवाजा बंद नहीं करते तो हम लोग को और मारती। लगभग कितना बजे घटना हुई है? ये 12:15 बजे के बीच का बात है। उन परिजन थे उसके ना? हाँ, उसके परिजन थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मरीज भी थी। जबरदस्ती पूरा बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगी। क्या नाम था मरीज का? प्रवीण खातून। और उसके हस्बैंड भी होंगे? उसके हस्बैंड नहीं थे, और भी लेडीज लोग थी उसके साथ ही, वहाँ पे जेंट्स नहीं थे। बहुत मतलब व्यवस्था नहीं है हम लोग के साथ, जब ये चीज हो रहा था एक भी कोई गार्ड नहीं था, मैनेजमेंट नहीं है कि ऐसे में हम लोग कैसे काम करेंगे। ऐसे में हम लोग काम नहीं कर सकते, हम लोग काम करने में असमर्थ है, हम लोग नहीं कर सकते काम, फिर मजबूरी में हम लोग को यहाँ पे स्ट्राइक करना पड़ेगा। अगर कोई व्यवस्था मतलब कोई अगर ये एक्शन नहीं लिया गया तो हम लोग को यहाँ पे बैठ करके स्ट्राइक करेंगे। R9 भारत के लिए सत्यन कुमार की रिपोर्ट, सीतामढ़ी, बिहार से।